श्यामलाल मेघाना जी को अभी आप सभी ने बड़े मन से सुना। मैं चाहता हूं कि वो तालियों के असली हकदार हैं, उनके सम्मान में सभी महानुभाव जिनके हाथ सुरक्षित हैं तालियां बजाकर उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। दरअसल सोहर की नौबत तभी आती है जब कहानी गजल से शुरू होती है। क्या बात कही आपने गुरु? गजल संस्कार गीत सोहर संस्कार गीत के पहले का है, वहीं से कहानी। ठीक है, हम अपन तेज कही ले। बहुत अच्छा गीत आप गाए, सरस्वती वंदना, उसके बाद सोहर और सोहर के बाद गजल की फरमाइश। सभी आदरणीय महानुभावों का मैं चरण वंदन करता हूँ। गजल तो हमने भी कई लिखी है, लेकिन हमने जो गजल लिख दिया ना, वैसी गजल लिखी गई ना कोई लिख सकता। जैसे मैंने चार टाणी की वंदना लिखी है गाना जी, अब वो चार टाणी की वंदना पूरे विश्व में आज तक लिखी ही नहीं गई, और ये चार टाणी के बाद वंदना लिखने की जरूरत भी नहीं है। वैसे वंदना का मतलब है जो कभी बंद, लेकिन भैंसी के कोयर नहावे के बाद तेल पिरावे के बाद बंद तो केहन पड़े। क्रम टूटे ना आराधना का, तो वही वंदना है। मैंने चार टाणी की वंदना लिखी और बलापुर में पहली बार आप सभी महानुभाव तक पहुंचा रहा हूं। अगर आपको लगे कि ठीक ठाक वंदना है, फिर ठूकिएगा। मैंने देखा सरस्वती जी को तो हाथ में बीड़ा लिए है, बीड़ा बज नहीं रही है। पुस्तक लिए है, पुस्तक खुल नहीं रही है। मैं प्रैक्टिकली आदमी हूं। अब जो हंस का बच्चा बैठा है, बतख हंस का बच्चा बैठा है कमल के फूल के बगल, वो एकदम राम बाबू जी झुराए का कांटा हो गया, जैसे खाना पीना नहीं मिल रहा। तो हमने कहा माई तुम्हारे भावकाल बिल्कुल फर्जी, अगर असली हो तो मुख्य धारा में आ जाओ, क्योंकि जहां आजादी के 72 साल बाद हमने चांद पर तो पानी की खोज कर ली, और जब हमारे भीतर का पानी मर रहा हो तो अपना ये रूप छोड़कर आप मुख्य धारा में आ जाओ। चार टाणी की वंदना विनोदी जी की, फेंकी दा किताब माई भी आप पवारी देती हूं, और चरई खाई जाई बतखियों के छोड़ दे, और शेर पे सवार होई के देगा तलवार लेके, और देख दुराचारी जहां तू ना आखी थोड़ी दे, कि शेर पे सवार होई के अब तेगा तलवार लेके, देखा दुराचारी जहां तू नौ आखी फोड़ दा। मोहन जी की, जानी बूझी पाप कई के, और गंगा जे नहाई जाए तो टांगई खती की ले जा बीच धारा फोड़ दा। जानी प्राण पंक्तियां हैं इस चार में, कि जानी बूझी पाप करे और फिर गंगा जे नहाई जाए तट्टा गई घसीटी ले जा बीच धारा भोरी दा, और चोर लत खोर और चुगुल खोर देखा जहां छतिये पे चढ़ी बैठे गाठई गाठ तोड़। इस तरह की वंदना न तो निराला जी ने लिखी, और रही बात गजल की, तो गजल हमने गिनती की लिखी है, लेकिन बड़ी कायदे की गजल। हमारे मुख्य अभ्यागत आदरणीय को मैं प्रणाम करता हूं। हमने लिखा गजल के विचार है न कोई धारा है, यही अपनी विचार धारा है। छोटे बहर की गजल के विचार है न कोई धारा है, यही अपनी विचारधारा है, और बराबरी से कम हमें मंजूर नहीं। राम बाबू जी की, बराबरी से कम हमें मंजूर नहीं। उसने मारा था, हमने मारा है, यही अपनी विचार। अब इस
की गजल नहीं लिख सकता। कोई नहीं, कोई नहीं। अच्छा अगर कायदे की हो तो ठोको एक बार। बहुत सुंदर प्रस्तुति भाई श्याम लाल बेगाना की। आपको लगा होगा कि तब के गाना में और अब के गाना में जमीन आसमान का अंतर है। जहां मधुबन में राधिका नाचती थी, अब अटरिया पर लोटन कबूतर नाचने लगा। हम सभ्यता के उस दौर तक चले आए। सागर था उसको क्या हुआ, झीलों में बट गया। ये केस जिंदगी का वकीलों में बट गया। जितना सफर थे तय किए मीलों में बट गया। और ये हिंदुस्तान कितने कबीलों में बट गया। जब हम बढ़ते जा रहे हो तो इस तरह का कार्यक्रम हमारे विशिष्ट अतिथि पत्रकारिता जगत के सूर्य जमुना पार के रत्न आदरणीय विजय चितौरी साहब का भी मैं बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूँ। तब के गाने और अब के गाने मैं राम बाबूजी के लिए भूमिका बना रहा हूँ। महोदय आपका ध्यान थोड़ी देर हमारी ओर रहे, आप लोग खाते पीते रहे। वैसे सभी लोग मुझे खाते पीते घर से लग रहे हैं। कई लोग तो इतने तंदुरुस्त हैं कि मुझे देखकर लगा कि हिंदुस्तान में गरीबी क्यों है। भाई क्रम को आगे बढ़ाते हुए लखन जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लखन जी का माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। शुक्ला जी ये क्रम चलता रहेगा। मैं चाहता हूं कि आपको इन कलाकारों से मैं जोड़ूं। तब के गीत और अब के गीत में बड़ा डिफरेंस है। आप तो गजल के आशिक लगे मुझे। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपने जो फरमाइश की। वैसे आप मुझे बिल्कुल अंग्रेजों के जमाने के जेलर लग रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां आपके लिए होनी चाहिए। गाना तो ऐसे आ गए हैं मुख्य अतिथि जी, जोरदार तालियां विजय चितौरी जी का माल्यार्पण। गाना तो हॉलीवुड बॉलीवुड है वाले हैं कि जब दिल न लगे दिलदार हमारी गली आ जाना। और दिलदार एक बार गली में आ जाता है तो फिर अपना काम करने के बाद तेरी गलियों में अपना रखेंगे कदम आज के बाद। मुझे समझ में नहीं आता कि ये सब इतनी जल्दी। अच्छा एक गाना तो बहुत ही विचित्र है, पहाड़ों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। पहाड़ तो हरे बाबू का नौकर ही कहा। अरे आप दरवाजे पर झाड़ू नहीं लगा सकते और बहारों से अपेक्षा करोगे बहारों फूल बरसाओ। एक गाना तो मास्टर साहब बिल्कुल विचित्र कि चलते चलते रुक जाता हूं क्या यही प्यार है। हम कहा बिटवा प्यार के लक्षण नहीं बिल्कुल कमजोरी के लक्षण। इसमें अच्छे डॉक्टर को दिखाओ दवा कराओ। अच्छा झूठ, झूठ तो हम इतना बोलते हैं कि दिल दिया है जान भी देंगे ये वतन तेरे लिए। ईमानदारी से बताइए चितौरी साहब, अगर आपने दिल दे दिया है तो क्या जान आपके पास बची। लेकिन नहीं, यहाँ बोतल भरे का नशा बा सबके गुरूर बा। यहाँ सिर्फ मोह देखी में अमन के सुरूर बा। और फलियाल हैं मगर उके चौकी के सिपाही असली मुलाजिम आज तक वर्दी से। ये गजल है कि खलियाल हैं मगरू के चौकी के सिपाही असली मुलाजिम बेगाना जी आज तक वर्दी से दूर बा। और जे जे मलाई काट के दरबार में हाजिर बा अफसर वही साहेब के आंखी के नूर बा। जे जे मलाई काट के दरबार में हाजिर बा अफसर वही साहेब के आंखी के नूर बा। अब वो के बदे का फूल का कांटा उ बेशरम गंधा दिवा शरीर को छिरके जरूर। एक बार जोरदार तालियां राम बाबू यादव आकाशवाणी और दूरदर्शन का एक ऐसा कलाकार जिनके गायकी में एक अलग रंगो रवानी है, जिनके गीतों में अपना एक अलग पानी है। चाहे वो संस्कार गीत हो, पारंपरिक गीत हो, मौसम के गीत हो, निश्चित रूप से इनको देखकर आपको लगेगा कि वीरप्पन अभी मुर्दा नहीं है, वीरप्पन अभी जिंदा है। जोरदार तालियां राम बाबू यादव।